एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूँ आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, शहनाज कौर गिल फिलहाल तो कनाडा में क्वारंटाइन में अपना समय व्यतीत कर रही हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करने वाली हैं कनाडा से वापस आकर, भाई सोर्सेस से बड़ी खबर पता चल रही है। देखिए, शहनाज एक ऐसा नाम है जिसने कलर्स चैनल के बैनर तले अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, और अब एक बार फिर से शहनाज कौर गिल आपको कलर्स पर नजर आ सकती हैं। क्या है खबर, चलिए बताती हूँ। बट इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू देसी पटाखा टू नो ऑल द लेटेस्ट अपडेट ऑफ टीवी इंडस्ट्री। शहनाज कौर गिल, जो सीजन 13 बिग बॉस का, ये वही सीजन था जिसने शहनाज को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, फैंस के दिलों की रानी बना दिया। और अब खबरें ये आ रही हैं कि शहनाज कौर गिल खतरों से खेलने वाली हैं, खतरों से लड़ने वाली हैं। खतरों के खिलाड़ी के नेक्स्ट सीजन में शहनाज कौर गिल आपको नजर आ सकती हैं। और देखिए, अगर शहनाज आती है ना, तो शहनाज के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। आप सभी जानते हैं रोहित शेट्टी उस शो के होस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े फिल्म मेकर भी हैं। और शहनाज को दिल जीतना तो आता ही है, साथ ही साथ शहनाज एक एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है। तो अगर रोहित की नजर पड़ गई शहनाज पर, तो जाहिर सी बात है कि भाई शहनाज की और शहनाजियंस की तो निकल पड़ी। पल पल की खबर मैं आराधना आपको देसी पटाखा पर देती रहूंगी, आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड बाय गाइज़।